बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हुकूमत की हिकमत अमली काम कर गई। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन धड़ेबंदी का शिकार। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन हड़ताल कामयाब ना करा सकी। कंपनी ऑपरेटेड पेट्रोल पंप्स मुल्क भर में खुले रहेंगे। कंपनियों की ओगरा को यकीन दहानी। ज़राए के मुताबिक मुल्क में ज्यादातर पेट्रोल पंप्स कंपनियां खुद ऑपरेट करती हैं। हुकूमत की हिकमत अमली काम कर गई है। आज अगर आपको याद दिलाएं तो मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान किया गया था। इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, बात करेंगे। मलिक सईद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मलिक बताइएगा, इस वक्त आप अपने आसपास क्या देख रहे हैं, कौन कौन से पेट्रोल पंप्स खुले हुए हैं, शहरियों को परेशानी का सामना है या नहीं? पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन कमी ग्रुप की जाने से आज मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान किया गया था। ये हड़ताल एडवांस टैक्स के नाफाज पर करने का ऐलान किया गया था। हुकूमत के मुतालबात जो कि कामयाब ना हो सके, जिसके बाद आज जो है वो हड़ताल का ऐलान किया गया था। मगर हुकूमत की कामयाब हिकमत अमली के बाद ये हुआ कि पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन धड़ेबंदी का शिकार होगी और एक नया धड़ा जो है पाकिस्तान डीलर्स एसोसिएशन रिफॉर्म ग्रुप सामने आया और उसकी जाने से हड़ताल से लातालकी का ऐलान किया गया, जिसके बाद एक पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन सेमी ग्रुप के एक जो मेंबर हैं उनका इंतकाल हुआ, जिसके बाद इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हड़ताल न करने का ऐलान किया गया और दूसरी जानब ओगरा भी एक्टिव हुआ और ओगरा ने मुख्तलिफ ओएमसी के साथ जो है वो मुदाकात किए और ऑयल मार्केटिंग कंपनी की जाने से ये यकीन दहानी करवाई थी के वो अपने पेट्रोल पंप खुले रखे जाएंगे। ठीक है मलिक सईद, आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।